एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6:30 का टाइम हो रहा है और अभी जस्ट मैं उठी हूँ। उठकर बस अपने बेडरूम का विंडो खोली हूँ और अभी बाल को बना रही हूँ, क्योंकि रात में सोते हैं ना तो बाल अजीब से बिखर जाता है। तो उठकर मैं थोड़ा सा बाल को कंघी नहीं करती हूँ, ऐसे ही हाथ से बना लेती हूँ। और ज़्यादातर ना मैं मॉर्निंग के टाइम पे बन बना के रखती हूँ, मतलब पूरे दिन तो वैसे ही रखती हूँ, क्योंकि खाना वाना बनाना रहता है और बाल एकदम झूलते रहता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो अभी पूरे घर का विंडो दरवाज़ा मैंने खोल दिया है। कल तो अजीब सा मन हो गया था, कल का ब्लॉग तो आप लोगों के साथ शेयर किया ही था, अजीब सा मन हो गया था, बिल्कुल भी कोई काम करने का इच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं जब सुबह उठी तो एकदम फ्रेश फील कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। तो जब भी थोड़ी बहुत तबीयत खराब होती है ना तो मुझे डर लगने लगता है, क्योंकि कोई है नहीं ना साथ में करने के लिए, घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा डर लगता है कि भाई मैं स्वस्थ रहूँ, ठीक रहूँ, ताकि सारा काम अपना टाइम पे कर पाओ। अभी दृशानी और दृशानी के पापा दोनों सो रहे हैं, वो आधा घंटा एक घंटा तक सोएंगे आराम से। और अभी मैं अपना चेहरा अच्छे से साफ कर ली हूँ, बस नॉर्मल पानी से मैं साफ करती हूँ। इस वक्त मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, मैं नहाने के टाइम पे ही फेस वॉश करती हूँ। और अभी मैं ब्रश कर रही हूँ, ब्रश करके फिर दवा खाऊंगी। और आजकल तो मैं अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, स्किन केयर रूटीन, हेयर केयर रूटीन कुछ भी फॉलो नहीं करती हूँ, बस जैसे तैसे घर का काम हो जा रहा है वही। और कल तो हस्बैंड भी चले जाएंगे ऑफिस की तरफ से, पार्टी में जाना है उनको, तो आज बहुत सारा काम है, मतलब शॉपिंग करने भी जाना है। सोचा था डीमार्ट जाऊंगी, लेकिन बाद में ना प्लान कैंसिल हो गया। आप लोग को आगे वीडियो में पता चलेगा फिर हम लोग कहाँ गए थे। और पूरा 1 बजे रात तक ना पैकिंग किया दोनों मिलकर, मतलब जाना उनको था लेकिन मुझे जाग के पैकिंग कराना पड़ा। और इतने सारे चीज़ों की तैयारी करनी पड़ी, ऐसे 3-4 दिन के लिए ही जा रहे हैं, लेकिन लग रहा था क्या महीने भर के लिए जा रहे हैं। ऐसा पैकिंग, इतना सारा कपड़ा, जब भी वो कहीं जाते हैं ना बहुत सारा कपड़ा ले लेते हैं, भले पहने या ना पहने, एक्स्ट्रा कपड़ा उनको चाहिए रहता है। तो अभी 3-4 दिन तक उनके बिना ही रहना पड़ेगा, अकेले हम दोनों माँ बेटी को, बट क्या करें, हमेशा उनको जाना होता है और जाना भी ज़रूरी है। हर लोगों को ऐसे बुलाते नहीं है, इन्वाइट नहीं होता है, जो लोग क्वालिफाई होते हैं ना उनको ही इन्वाइट होता है। कुछ टारगेट रहता है, इन लोगों को वो पूरा करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इनके ऑफिस में। और बैंक वाले लोगों का तो बहुत ज़्यादा टारगेट रहता है, और हर लोग क्वालिफाई होते भी नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा मेहनती है, वो हमेशा क्वालिफाई हो जाते हैं और हमेशा उनको ऑफिस के तरफ से कहीं ना कहीं घूमने को मौका मिल जाता है। पहले तो मुझे डर लगता था, जब वो फर्स्ट टाइम गए थे ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगा था घर में अकेले रहना, क्योंकि कभी नहीं रही थी, लेकिन अभी आदत हो गई, अभी तो हमेशा जाते रहते हैं। तो अभी यहाँ पे लिविंग रूम को सेट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह में जब भी मेरे पास टाइम रहता है ना तो मैं लगे हाथे सारे काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मच्छरदानी अभी तक वैसे ही है तो उसको भी खोल देंगे। और अभी दृशानी को ट्यूशन जाने का भी टाइम हो गया है, लेकिन वो लड़की ना सुबह उठती है ना तो इतना लेजी लेजी फील करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है कि जाके ब्रश करो, फिर उसको खिलाओ पिलाओ, तब जाके ना वो तैयार होती है। तो अभी उसको लेके जा रही हूँ और अभी मेरा खाना भी बन के रेडी हो गया है। तो खाने में मैंने बनाया है दाल वाला तड़का और वही चने दाल का तड़का, फिर उसके बाद आलू की भुजिया और चावल मैंने बनाया था। उसको खिला के फटाफट से उसको ट्यूशन भेजा, फिर आने के बाद ना मैं सोची चलो अभी लग गए हाथ ना काम ख़त्म करते हैं, तो मैं झाड़ू आके पोछा लगा रही हूँ। और भी बीच में बहुत सारा काम किया है मैंने, थोड़ा वीडियो का भी काम किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? अभी दृशानी को ट्यूशन से लेकर आ रही हूँ और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई, 10:30 का टाइम हो गया है और अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तो भूख भी लगी बहुत तेज़। लेकिन मुझे नहाना भी है, गर्मी भी बहुत लग रही है, क्योंकि घर में झाड़ू पोछा करते हैं ना तो फिर गर्मी लग जाती है बहुत ज़्यादा। और फटाफट से वही पोछा लगा के दृशानी को लाने गई थी। और अभी पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है, आज जाना है डीमार्ट, शाम को जाऊंगी। तो हस्बैंड को कुछ सामान लेना है, कुछ कपड़े वगैरह देखना है उनको, और ऊपर से मैं ग्रोसरी का सामान भी लेकर आ जाऊंगी। तो देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ, तो अभी शाम को चलते हैं। और अभी मुझे मतलब रात का डिनर भी बना के और फिर मैं जाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आएंगे फिर उसके बाद ही हम लोग जाने वाले हैं। तो चलिए अभी ना मैं कुछ खा लेती हूँ। आज खाने में मैंने बनाया था चावल और वही चने की दाल बनाई थी तड़के वाली, और आलू की भुजिया बनाई है। अभी मुझे चावल ही खाना है दोपहर में, मैं देखती हूँ नहा वहा के रोटी बनाऊंगी। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, फिर उसके बाद नहाऊंगी, फिर दृशानी को स्कूल की तैयारी करना पड़ेगा उसको भेजने के लिए। तो अभी उसके स्कूल जाने में बहुत टाइम है, तो तब तक बहुत सारा काम भी मेरा हो जाएगा। चना दाल का तड़का, आलू की भाजी, चावल, बस फटाफट से खा के फिर अपना काम पे लग जाते हैं। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो अभी दृशानी को स्कूल छोड़कर आ गए, पूरा दिन ना यही ड्यूटी लगा रहता है, ट्यूशन छोड़ो लेकर आओ, स्कूल छोड़ो फिर स्कूल से लेकर आओ, और बीच बीच में जो टाइम बचता है उसमें अपना काम करो।
है ना, प्यास लग गई है बहुत तेज। स्कूल से आई हूँ ना, तो बारिश नहीं हो रहा था, तो नीचे थोड़ा देर बैठी हुई थी आधा घंटा। हस्बैंड का कॉल आया क्योंकि उनका जो कोट मंगाए थे ना वो, और ना रिटर्न कर दिए थे, तो पिकअप के लिए आया था। तो भाग भाग के आई और दी, एकदम गंदा ढंग का भेजा था, कैमरे में तो दिख नहीं रहा था लेकिन एकदम अजीब सा भेजा था, और हस्बैंड को भी पसंद नहीं आया। तो कल ही मैं उनको बोली थी ना कॉल करके, तभी उन्होंने रिटर्न कर दिया था। तो अभी मुझे वीडियो एडिट करना है, फिर शाम को हम लोग जाएंगे डी मार्ट, तो उसके लिए भी मतलब डिनर की भी तैयारी करनी है, क्या बनाएंगे क्या नहीं वो भी सोचना है। और काफ़ी टाइम से मार्केट जा नहीं रहे, संडे के दिन हम लोग गए थे मार्केट लेकिन बारिश आ गई नहीं, तो सब्जी उब्जी लेना हुआ नहीं, तो फिर उसके बाद गए नहीं। और इधर मार्केट में मतलब मैं नहीं जाती हूँ, उतना सब्जी वगैरह अच्छा दिखता नहीं है। स्टेशन जाओ तो थोड़ा बहुत अच्छा दिख जाता है, भिंडी वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा है, भिंडी मिल रहा है, बैगन भी अभी नहीं खाना है, पानी चू रहा है, फिल्टर का पानी भर गया, तो सब्जी का ना बहुत दिक्कत हो गया सच में। अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से वीडियो एडिट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्ट शाम को। तो मैं आप सबको बोली थी कि शाम को मिलूंगी, लेकिन अभी ये शाम का टाइम नहीं है, 4:15 हो गया है, और मैं ना दोपहर में सो गई थी, तो इसके लिए वीडियो एडिट करना भी नहीं हुआ। और फिर अभी मैं उठकर ना सोची अभी बना लेती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि दिशानी को खाने के लिए कुछ है नहीं, तो अभी मैं उसके लिए हलवा बनाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगी। और यहाँ पर ना डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ, बेसन की सब्जी बनाऊंगी। तो कल भी मैंने बेसन की सब्जी बनाने की ट्राई किया था लेकिन अच्छे से बना नहीं था, तो आज भी कोई सब्जी दिख नहीं रहा था, तो मैं सोची चलो आज फिर से ट्राई करते हैं, कभी कभी ना बहुत अच्छे से बन जाता है। वैसे कल ना बेसन का जो बैटर मैंने बनाया था ना बहुत ज़्यादा पतला बन गया था, इसके लिए अच्छे से तवा पे चिपका नहीं वो, और पूरा एकदम ख़राब हो गया। तो यहाँ पे देखिए अभी ये वाला अच्छे से बनेगा, क्योंकि बेसन का जो बैटर मैंने बनाया है ना वो ज़्यादा गीला नहीं किया है, यानी ज़्यादा पतला नहीं किया है, ये ठीक है। कभी कभी ना बेसन थोड़ा सा भी पतला हो जाता है ना, तो फिर चिपकता नहीं है, अजीब सा हो जाता है। तो आज मैं सब्जी का रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, 3-4 दिन पहले के ब्लॉग में मैंने बनाया था बेसन की सब्जी, तो मैंने रेसिपी शेयर किया था, चाहे तो ब्लॉग आप देख सकते हो, नहीं होगा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। फटाफट से मुझे बनाना था इसके लिए। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तभी शाम का टाइम हो गया है, मतलब 5 बज गया है, और अभी मैं जाऊँगी दृशानी को स्कूल से लाने, अभी 5 मिनट टाइम है, तो मैं सोची चलो आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। मैं अभी हलवा बना के रख दी हूँ, क्योंकि वो आएगी तो खाने के लिए कुछ था नहीं, और इसलिए मैं पहले से ही हलवा बना के रख दी हूँ, थोड़ा ज़्यादा बना दी हूँ, जिसको भूख लगेगा वो खा लेगा, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले हैं आधे घंटे में, वो भी आ जाएंगे, तो भी थोड़ा सा खा के चलेंगे। और मैंने वो बेसन का सब्जी बनाने के लिए ना, बेसन को जो फ्राई करते हैं ना, बेसन का ऑमलेट जैसा बनाते हैं ना, वो मैंने बना के रख दिया, बस सिर्फ ग्रेवी बनाना रहेगा। तो मैं दुश्मनी को लेकर आऊँगी ना, तो ग्रेवी बना के और सब्जी बना के मैं जाऊँगी डी मार्ट, तो और टाइम मिलेगा तो रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि अभी ना थोड़े से बर्तन पड़े हुए हैं, तो अभी बर्तन भी धोना है, तो उसे भी धोने में थोड़ा टाइम लग ही जाएगा। और मैं ना दोपहर में सो गई, मैं वीडियो एडिट कर रही थी और वॉइस ओवर करना बाकी था, बाकी सारा काम हो गया था, सिर्फ वॉइस ओवर करना था, वॉइस ओवर करके सेव करके और फिर अपलोड कर देती वीडियो, लेकिन इतनी नींद आने लगी ना कि मैं वीडियो एडिट करते करते सो गई, कब सो गई मुझे भी पता नहीं चला। डायरेक्ट मैं 4 बजे उठी हूँ, तो फटाफट से खाकर फिर उसके बाद वही मैं ये सब काम की, बस इतना ही हो पाया, उससे ज़्यादा नहीं हो पाया। उठे 4:15 हो गया था, मतलब 4:20-25 ऐसे हो गया था तब मैं उठी, और अभी टाइम नहीं है। तो अभी मुझे लिस्ट भी बनाना है, देखा भी नहीं है, दिशानी चली गई स्कूल, उससे पहले मुझे याद आया था लेकिन फिर से भूल गई, तब वो आएगी तो उसको ऊपर चढ़ाऊंगी, सारे डब्बे में मतलब दिखाऊंगी कि क्या क्या है, क्या है क्या नहीं है, वो सारे लिस्ट बना के फिर मैं जाऊंगी डी मार्ट। तो घर में चीज़ें पड़ी रहती है, फिर दोबारा से चीज़ें खरीद के मैं लेकर आ जाती हूँ, ऐसा हो जाता है, इसके लिए सामान देख के लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं निकलती हूँ दिशानी को स्कूल से लाने, फिर आके मिलती हूँ आप लोगों से।
तो अभी निकलते हैं त्रिशानी को लेने के लिए। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो दुपट्टा रख लेती हूँ, पता नहीं बाहर में निकलती हूँ ना तो कुछ लोग को ऐसे देखते हैं, उन्हें मतलब अजीब तरीके से देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना जैसे कि कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखा ही ना हो। तो इसके लिए ना थोड़ा दुपट्टा मैं रख लेती हूँ, मुझे खुद ही अजीब लग जाता है। वैसे मैं घर में रहती हूँ तो नहीं रखती हूँ, लेकिन बाहर अभी निकलती हूँ ना तो फिर मैं रख लेती हूँ दुपट्टा। और कुछ लोग तो रास्ते में ऐसे भी मिल जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, फिर भी वो पूछते हैं कि कौन सा मंथ चल रहा है। मुझे समझ में नहीं आता है कि उनको क्या ना देना है, ना वो हमको जानते हैं ना मैं उनको जानती हूँ। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, पूछते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। और हर लोगों को बताने में कंफर्टेबल फील भी नहीं होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि मतलब डेट भी पूछते हैं कि डॉक्टर ने कौन सा डेट दिया है अभी बताओ। मुझे कभी कभी ना बहुत गुस्सा भी आ जाता है कि मैं इनको जानती तक नहीं हूँ, ये लोग ऐसे क्यों पूछते हैं। सच में कभी कभी गुस्सा आता है। तो यहाँ पर त्रिशानी आ गई स्कूल से, फिर उसको ना मैं हलवा दी निकाल के, और जो थोड़ा बहुत बर्तन बचा हुआ था ना उसको मैं धो रही हूँ, लगे हाथ धो लूँगी, फिर उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाए। तो गाइज अभी प्लान कैंसिल हो गया, डीमार्ट जाने का सोचा था लेकिन अभी हस्बैंड का कॉल आया, उन्होंने बोला कि डीमार्ट में पता नहीं अच्छा जींस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जींस चाहिए। दो तो ऑनलाइन मंगाए थे, तो जो जींस वाला जो जैकेट मंगाए थे वो तो रख लिया है, बाकी जो कोट मंगाए थे वो तो वापस करना पड़ा क्योंकि वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया था। अभी हम लोग जा रहे हैं मैक्स में, बोले मैक्स में आ जाओ, तभी मुझे स्टेशन जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखते हैं। मुझे भी लगता नहीं है कि वहाँ पे भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि आजकल ना मैक्स का कपड़ा भी मतलब उतना खास नहीं आ रहा है। मैक्स से मैंने अपने लिए जींस लिया था ब्लैक कलर का, इतना बेकार दिया था ना क्या बताऊँ, और इतना महंगा 1300 रुपए का जींस था लेकिन इतना बेकार है ना, एक बार में ही कलर निकल गया उसका, ब्लैक कलर का था। गोवा में मैं पहन के गई थी, एक साल हो गया खरीदे हुए। दीशु क्या करिए, फटाफट से खाना, पापा आ जाएगा जल्दी से। तो अभी देखते हैं उनका, अगर मिलेगा तो मिलेगा, एक बार जाके देखना भी जरूरी, क्योंकि कल वो जा रहे हैं, खर्चे पे खर्चे हो रहा है। क्या करे महंगाई में, मतलब हर चीज को मतलब इतना कितना सेक्रीफाइस करेगा इंसान, ऑलरेडी इतना सारा सेक्रीफाइस करके ही चल रहे हैं। सामान दिखता नहीं है लेकिन पैसे दिखता है, आज के डेट में ऐसा हो गया है। तो चलिए मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं सोच रही थी अभी ए पूरा पोछ के खा, इसका इतना गंदा आदत है ना, इतना इतना चावल छोड़ देती है, जो भी मैं देती हूँ ना छोड़ देती हूँ, सीधे बेसिंग में डाल देती है। तो क्या सोचा था, क्या हो रहा है, तो हमेशा ऐसे प्लान कैंसिल होते रहता है। किशो क्या कर रही है, फटाफट से पी। और अभी डीमार्ट तो जाना नहीं था, इसके लिए मैं सब्जी नहीं बना रही हूँ, अभी जा रही हूँ मार्केट और उधर से सब्जी भी लेकर आ जाऊंगी, फिर उसके बाद अपना आके बनाऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से। जब भी स्टेशन आते हो ना इतना ज़्यादा भीड़ मिलता है ना कि क्या बताओ, हर जगह पे ना स्टेशन पे भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। वीडियो बनाने में भी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं मोबाइल गिर ना जाए भीड़ में, मैं ही कहीं खो ना जाऊँ। ऐसे खोऊंगी तो नहीं, लेकिन थोड़ा डर लगता है कहीं कोई गाड़ी वाला आके मतलब टक्कर ना दे दे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मैक्स में, और यहाँ पर देखते हैं कुछ अच्छा कलेक्शन दिखेगा, कुछ मिल जाएगा अच्छा तो ले लेंगे। तुम कहाँ थी? हम तो यहीं पे। मैं आपको ढूंढ रही थी आप दोनों। बस बस तुम तो एक जगह पे टिक ही नहीं रही है। सो गाइस यहाँ पे हम लोग आए थे जिस काम के लिए, वो तो हुआ ही नहीं, जींस का कोई भी साइज सेलेक्ट नहीं कर पाए, है ही नहीं साइज का, और नहीं शर्ट अच्छा कुछ दिखा यहाँ पे। ए दिशानी क्या कर रही है, आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, चल रही। तो गाइस अभी हम लोग घर आ गए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 बजने वाला है, और अभी खाना बनाना है, थोड़ा से थक गए हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ हलवा खाने, क्योंकि अभी मुझे भूख लग गई है। तो जो हलवा बना के गए थे ना वैसे ही पड़ा हुआ है, दिशा ही थोड़ा सा खाई थी, थोड़ा सा खा लेते हैं अभी, फिर उसके बाद फटाफट से खाना बनाते हैं। यहाँ पर सब्जी बन के रेडी है और चावल मैंने बिठा दिया है, क्योंकि रोटी बनाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। हाय हाय, और मार्केट से ना थोड़ा सा सब्जी लेकर आए हैं, केला, ये है भोपला, कद्दू, और ये कुंदली, और मैंगो लिया है,
बस यही लाए हैं मार्केट से। चावल में एक सीटी लग गया, गैस को बंद कर देते हैं नहीं तो चावल ओवर कुक हो जाएगा। और ये सब्जी भी थोड़ा सा और इसको पकाएंगे एक दो मिनट। और हस्बैंड क्या क्या शॉपिंग किए हैं वो फटाफट से आप लोगों को दिखा देती हूँ। आज का ना जितना भी टी शर्ट है ना सब मस्त टी शर्ट है। हस्बैंड की सारी शॉपिंग हो गई है, एक एक करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये निशानी देखिए क्या खरीदवाई अपने पापा से, बोली कि मुझे खाना है। एक क्रीम रोल होता है ना वो, बट वो खाई नहीं है। ये सब चीजें तुमको पसंद नहीं आता है, पर खरीदवाती थी बस पापा ने खरीदी थी। तो तूने बोला पापा को खरीदने के लिए, तभी तो पापा ने खरीदा ना। नहीं ना। क्या नहीं ना? तो टी शर्ट मैंने चार लिया है, चार टी शर्ट है, चारों इतना अच्छा है ना। इसका कलर भी देखिए मस्त है। तो ये एक टी शर्ट है, एक मिनट थोड़ा नीचे करती हूँ। तो एक ये टी शर्ट है और एक ये टी शर्ट है। ये भी टी शर्ट पहनने पे बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मैक्स में हम लोग गए थे ना, मैक्स में एक भी कुछ भी पसंद नहीं आया ना, जींस साइज का था और न ही टी शर्ट वगैरह, कुछ भी अच्छा नहीं था। मतलब वहां पे साइज ही नहीं मिलता है मेन बात मैक्स में। और हम लोग अभी ट्रेंड से लिए हैं, तो उस दिन भी गए थे ट्रेंड में, तो वहां से एक कैजुअल पैंट लिए थे और शॉर्ट लिए थे, वो तो दिखाया था आप लोगों को। और अभी ये चार टी शर्ट, ये टी शर्ट का भी कलर इतना अच्छा लगा ना मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो ये एक टी शर्ट है और एक ये टी शर्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो पहन के देखे थे, पहनने पे ज्यादा अच्छा लग रहा था और इसका कलर बहुत ही खूबसूरत है। पहनने पे बहुत ज्यादा स्मार्ट लग रहे थे, मेरे हस्बैंड पहने हुए थे तो इसका कलर काफी अच्छा है। बाकी ये तीनों का थोड़ा मिलता जुलता कलर है, ब्लू 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 हो गया। ब्लू कलर का टी शर्ट इनके पास था ही नहीं, लेकिन एकदम ब्लू नहीं है, अलग अलग कलर है। ये भी कलर काफी अच्छा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि जींस वाला कपड़ा होता है ना वैसा है, लेकिन वैसा नहीं है, बट कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। तो ये चार टी शर्ट और एक ये शॉर्ट पैंट, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। दो और एक जींस लिए, ये वाला जींस, ये जींस मुझे बहुत अच्छा लगा। पहनने भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये एक जींस लिए हैं कि ये वाला टी शर्ट ना थोड़ा सा कम रेंज का है, ये 549 का है। और जींस इनका कितने में दिया, जींस का प्राइस, लेकिन कपड़े की क्वालिटी अच्छा है। और ये भी इसका भी कितना है, 800 रुपये, हाँ 799 का है ये वाला पैंट, पूरा अच्छा है। और ये टी शर्ट, हाँ ये है, ये 799 का है ये वाला, ये वाला महंगा है, ये वाला 999 का है ये वाला। बाकी सब ठीक है। इसका कितना प्राइस है, ये 899 का है। लेकिन इस बार का जितना भी टी शर्ट लिया है ना सब मस्त है सच में। तो उनकी सारी शॉपिंग हो गई और अभी हम लोग का खाना भी रेडी है, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। और ये वीडियो को भी यहीं पे एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट, योर ड्रीम।